वैक्सीन। वैक्सीन तो हेलो एवरीवन, चलते हैं नीचे। वेलकम टू द व्लॉग। अभी जा रहा हूँ, बाइक को थोड़ा स्टार्ट करूँगा क्योंकि बाइक स्टार्ट नहीं करने से, तो कार्बोरेटर इंजन है और इसका यही प्रॉब्लम है कि आप इसको अगर स्टार्ट नहीं कीजिएगा तो वो बंद पड़ जाएगा। कुछ दिन पहले ही हुआ था कि बाइक का बैटरी पूरा डाउन हो गया था, बहुत दिन तक चलाया नहीं था। तो अभी जा रहा हूँ, थोड़ा स्टार्ट करता हूँ बाइक को और यहीं पे थोड़ा सा इधर उधर घुमा देता हूँ, फिर पापा के साथ थोड़ा जाएंगे, मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, मास्क वास्क पहन के सिर्फ गाड़ी में घूम के आएंगे। आज संडे है इसलिए। तो चलिए चलते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन तो लेना चाहिए, ये तो मतलब कंपलसरी है, क्योंकि जो लोग अभी ले रहे हैं डॉक्टर और बड़े बड़े लोग, वो लोग तो पागल नहीं है। उन लोग को पता ही है कि ये लेने से कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब बॉडी को थोड़ा इम्यूनिटी मिल रहा है, तो वो लोग इसलिए ले रहे हैं। और जो लोग डर रहे हैं कि नहीं लेने से साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, ये सब बहकावे में आके ये सब लोगों का बात मत सुनिए। आप ले लीजिए क्योंकि ये सही में हेल्पफुल है। और मतलब जितना भी अभी तक देखा गया है कि वैक्सीन लेने के बाद वो जितना कोरोना वायरस आपको अफेक्ट कर सकता है उससे बहुत ही कम अफेक्ट करता है, तो मेरे हिसाब से ले लेना सही होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा गवर्नमेंट का जो साइट है, जहां से कि आप रजिस्टर कर सकते हैं और आप कहीं भी जाके उसको रजिस्ट्रेशन का जो आएगा, एक शायद कुछ फॉर्म टाइप का कुछ आएगा या फिर कुछ रजिस्टर करने के बाद आएगा, तो वो और आधार कार्ड लेके आप कहीं भी जहां पे वैक्सीन मिल रहा है वो दिखाएंगे तो वो आपको दे देंगे। अभी तो 18 प्लस के लिए 28 से शायद 18 प्लस 245 के लिए शायद स्टार्ट होगा 28 अप्रैल से, और 45 प्लस तो अभी चल रहा है। तो एक्चुअली मैं भी ट्राई कर रहा था, मेरा तो अभी 18 प्लस से 45 एज के रेंज के बीच में है, तो इसलिए मैं भी ट्राई किया कि अगर हो गया तो, पर अभी तक उसमें साइट में दिखा रहा है, जब आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो उसमें दिखा रहा है कि ओनली 45 प्लस, मतलब 45 एबव जो लोग हैं वही लोग को सिर्फ मिलेगा अभी। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जो लोग 18 प्लस से 45 के रेंज में हैं, अगर 28 को स्टार्ट हुआ तो आप लोग उस लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं बोलूँगा कि जल्द से जल्द रजिस्टर करके ले लीजिए क्योंकि पता नहीं कब आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है, कहाँ क्या मिल नहीं रहा, तो थोड़ा सा रिस्क लेके ले लीजिए ताकि बाद में इन द लॉन्ग रन आपको हेल्प करे। तो यही था, तो अभी चलते हैं पापा के साथ घूम के आते हैं, थोड़ा घर में बैठे बैठे बोर हो जा रहा है तो थोड़ा संडे राइड करके आते हैं, संडे ड्राइव। कार में जा रहा तो ड्राइव और बाइक में शायद राइड, ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है मेरे को, ड्राइव राइड क्या बोलते हैं। तो चलते हैं। तो गाड़ी ये रहा, स्टार्ट बटन ब्रेक पैडल पे पहले दबाओ, फिर स्टार्ट बटन को मारो और ये गाड़ी स्टार्ट। ये रहा गियर, एक्चुअली ये ऑटोमेटिक कार है तो ये सिर्फ आपको डी पे लाना है ड्राइव। फिर गाड़ी इंडिकेटर पता नहीं कैसे ऑन हो गया, अब गाड़ी चालू है। चलिए, ओह सॉरी, बेल्ट लगाना पड़ेगा, बेल्ट मेरा अप्स अप्स ये मैंडेटरी चीज़ है, गाड़ी चला रहे हो तो बेल्ट इज़ नेसेसरी। अब चलते हैं। ऑटोमेटिक कार का यही फ़ायदा है कि आप एक हाथ से गाड़ी को चला सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँ, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर ड्राइविंग मतलब आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, सॉरी, अगर आपको गाड़ी चलाना अच्छे से आता है तो ही आप एक हाथ से चलाइए, अगर नहीं आता तो ही हाथ प्रेफर कीजिए अगर नया नया चला रहे। मैं क्लास 7 या 8 से सीख रहा हूँ तो इसीलिए मतलब मेरा हाथ सेट है गाड़ी में, बस चला लेता हूँ। तो जो लोग नए नए सीख रहे हैं, जोश में आके एक हाथ में स्टाइल दिखाने के लिए मत चलाइए क्योंकि वो आपको भारी पड़ सकता है। तो अभी मैं गाड़ी रिवर्स करूँगा, तो इसमें एक बैक कैमरा है, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा बैक कैमरा, ये बहुत ही हेल्पफुल है गाड़ी घुमाने के लिए क्योंकि पीछे का आपको पूरा क्लियर व्यू दे देता है। और कुछ ऑब्जेक्ट अगर आ भी जाए तो साउंड कर देता है, ये ऑब्स्टेकल है, आप सावधान रहिए। तो अभी वेट करते हैं, पापा ऊपर है, कॉल करके बुलाता हूँ, फिर चलेंगे एक ड्राइव पे घूम के आएंगे, ठीक है। तो फिर पापा आने के बाद फिर आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय। तो पापा आ गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं एक ड्राइव पे, सो लेट्स गो। ये है गैलेक्सी मॉल, आसनसोल में 2 ही मॉल है बड़ा बड़ा, ये उसमें से एक है गैलेक्सी मॉल और दूसरा है सेंट्रा मॉल, वो इससे थोड़ा और बड़ा है, वो थोड़ा दूर में है। लेफ्ट टर्न फॉर झारखंड, दुर्गापुर लेफ्ट टर्न फॉर झारखंड। यहाँ पे कुछ चेकिंग वेकिंग चल रहा है, कल इलेक्शन है तो वही हम लोग घूमने निकले, हम लोग को इतना सब झमेला में घुसना नहीं है। चलते हैं इधर, चलते हैं इस साइड। इधर आगे जाके मस्त है, इधर सब गोवाला पड़ा शायद कुछ है जहाँ पे सब बफेलोज रखे हैं और वो लोग शायद यही बिजनेस करते हैं, मिल्क सप्लाई करते हैं ये सब। ये देखिए दिखना स्टार्ट हो गया सब बफेलो। रुक जा जाने दे, उसके बाद जाना है, रुक जा, हाँ थैंक यू, चलेगा। गाय बफेलो सब भरती है इधर। ये लोग इसी से चलते हैं, यही लोग इनको पैसा ला के देते हैं, इसलिए ये लोग उनका केयर लेते हैं पूरा अच्छे से। और ये क्या है, श्रीनगर, तो ये एरिया का नाम है श्रीनगर। और तो दिख रहा है स्मार्ट सुपर स्टोर लिखा हुआ है, बहुत बड़ा मार्केट है गाइस का। इसका थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूंगा, एक वीडियो है मेरे पास उसका अंदर का कैसा है। दिख रहा है आपको कितना बड़ा है, रिलायंस का है ऑब्वियसली, बड़ा ही होगा। ये मतलब ऐसा एरिया में है, पूरा बाहर है, सिटी से पूरा बाहर, अलग ही जोन में बना, जहाँ जगह मिला वहीं पे बना दिया। जो सामने दिख रहा है ये है सुगम पार्क। आसनसोल में मेरे नॉलेज के हिसाब से 3 ही सोसाइटी है, ये एक सुगम पार्क है, एक जेनेक्स एक्सोटिका है और एक है सृष्टि नगर में। ये 3 ही जगह है जहाँ पे कि अच्छा सोसाइटी है रहने लायक। ये रहा लिखा हुआ है सुगम पार्क। सब मैक्सिमम जन जो लोग जो इसको स्टील प्लांट है ISP सब रिटायर करके आके यहीं ये सब सोसाइटी में रहते हैं। अच्छा सोसाइटी है, क्योंकि ये रास्ता शायद कहीं निकलेगा स्टेशन के पास। घूम घाम के गली के अंदर घुस गए, ये हम लोग को हाईवे में लाके निकाल दिया रास्ता। राइट जाना पड़ेगा यहाँ से, राइट टर्न लेफ्ट। अरे ये गाय, संडे ड्राइव करके, और अच्छा ही था। एक्चुअली क्या हुआ ना, वहाँ से जो हाईवे में जो पकड़े थे वहाँ से लेफ़्ट जाना था, हम लोग राइट चले गए, फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, फिर वहाँ से घूम के आए, फिर वापस जिस रास्ते से गए थे फिर उसी रास्ते से वापस आ गए। तो क्या करते हैं, अभी तो चलते हैं घर। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग वो जो मैं रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके वहाँ से अपना रजिस्टर करके ले लीजिएगा वैक्सीन। बेकार किसी का बात सुन के इधर उधर का डिसीजन मत लीजिए, और सीधा रजिस्टर कीजिए जाके। थोड़ा रिस्क है, लाइन में लगना पड़ेगा, तो थोड़ा सेफ खेल के चल जाइए, जाके ले लीजिए, ताकि लॉन्ग रन में आपको मतलब अच्छा रहे आपके लिए। तो उसके साथ अभी एंड करते हैं व्लॉग को, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।